आई होप आपको पिछली वीडियो समझ आई होगी। तो अब हम बात करनी शुरू करेंगे प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में एंड प्लांट मूवमेंट्स के बारे में। अब जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्लांट्स हैं उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है। आप सोचेंगे नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ओके, उनको कौन सी मूवमेंट करनी होती है, पर दे शो मूवमेंट्स, वो काफ़ी सारी मूवमेंट शो करते हैं, पर वो किसकी हेल्प से करते हैं, प्लांट हार्मोन की। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। बेसिकली इनके मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म, इनकी मूवमेंट को कहा जाता है ट्रॉपिज्म्स। तो हमने उसके बारे में आज बात करनी है इस वीडियो लेक्चर में। बात करनी शुरू करते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। इसके बेसिकली पांच प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिंस, साइटोकाइनेंस, एथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। सो ये हैं मेन पांच प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो इनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। अब जो आपका ऑक्सिन है वो ऐसा प्लांट हार्मोन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यूज़। अब ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यूज़ का क्या मतलब है, स्टेम को इंक्रीज़ करना, रूट को इंक्रीज़ करना, लीव्स को बड़ा करना, ये सब इसका काम है। साइटोकाइनेंस की अगर बात की जाए तो साइटोकाइनेन क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं और एजिंग ऑफ सेल्स को डिले करते हैं। एजिंग ऑफ सेल्स को डिले कैसे किया जा सकता है, जैसे पत्ते जल्दी झड़ जाते हैं वो नहीं होंगे साइटोकाइनेन की वजह से। सेल डिवीजन होगी तो क्या करेगा, सेल ग्रो करेगा, डाई नहीं करेगा, ठीक है। आगे जिबरेलिंस की बात करते हैं। जिबरेलिंस एक ऐसा हार्मोन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड इनिशिएट सीड जर्मिनेशन। ग्रोथ ऑफ स्टेम का क्या मतलब है, जो स्टेम है उसको इंक्रीज करता है, अगर उसकी हाइट होगी 10 मीटर तो उसे बढ़ाई जाएगा ये, ठीक है। तो स्टेम आपकी क्या करती है, इससे ग्रो, और साथ ही साथ ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, ये फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है। फ्लावरिंग मतलब जो फ्लावर्स लगते हैं आपको, आपके बर्ड से फ्लावर बनता है उसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सीड ग्रोथ में हेल्प करता है आफ्टर जर्मिनेशन। अब सीड ग्रोथ का क्या मतलब है, आफ्टर जर्मिनेशन जो सीड से बनती है सैपलिंग, उसको हम बोलते हैं सीड ग्रोथ आफ्टर जर्मिनेशन। अब एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है, ये भी एक हार्मोन है, आप इसको एसिड पर समझ लेना, एसिड है बट वो वाला एसिड नहीं जो हम वॉशरूम्स में यूज़ करते हैं। तो ये आपका एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, ग्रोथ रोकता है प्लांट की एंड विल्टिंग ऑफ लीफ। विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब है पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। अब ना ये ज़रूरी क्यों है, आप कहेंगे ये तो भाई ये तो अच्छा नहीं है प्लांट के लिए भी, उसको तो ग्रो करना चाहिए, पर हर चीज़ की एक लिमिटेड ग्रोथ इंपॉर्टेंट है और नेचर ने हर चीज़ को डिज़ाइन किया गया है कि हर चीज़ का एक लिमिट लगे। जैसे एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्लांट की हाइट की, प्लांट की ग्रोथ की एक लिमिट लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है एक टाइम के बाद रुक जाती है। वैसे रुकती नहीं है प्लांट्स की, पर जो उसके पुराने पार्ट्स होने शुरू हो जाते हैं ना बॉडी के, जैसे पुराने लीव्स होने शुरू हो गए, इनकी जो ग्रोथ है ना उसको रोक देता है, ये ग्रो नहीं कर पाते आगे, और इनको क्या कर देता है, विल्ट करा देता है। विल्ट का मतलब नीचे गिरा देता है आगे। साथ ही साथ ये क्या करती है, डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स। डॉर्मेंसी का मतलब है किसी चीज़ को सप्रेस कर देना। सप्रेस में आप क्या करते हो, जो बर्ड्स हैं वो फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं, वो आगे फ्लावर नहीं बना पाते हैं, उनको रोक दिया जाता है वहीं पे, तूने यहीं पे रहना है। और सीड में भी सेम काम किया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, आपने आगे प्लांट नहीं बनाना है, ठीक है। अब अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, अगर आप तो कहोगे कहते हैं कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए, फ्लावर तो लगने चाहिए, सीड्स भी आगे प्लांट में कन्वर्ट होने चाहिए, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डॉर्मेंसी भी एक जगह पर इंपॉर्टेंट है। डॉर्मेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर फ्लावर पर फ्लावर लगते जाएंगे तो क्या होगा कि सीड्स बनेंगे नहीं, सीड्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो उससे क्या होगा, नए से नए प्लांट्स पैदा होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट स्टेप चलता रहेगा, तो हमें इतने भी ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब हर चीज़ का पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। तो ये एक नेचर का मैकेनिज्म है, ये खुद ही अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेती है। अब सीड्स का डॉर्मेंट रहना क्यों ज़रूरी है, अगर आपके सारे सीड्स उगते जाएंगे तो आप एक सीड्स को एक पार्ट ऑफ वर्ल्ड से दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक नहीं भेज सकते हो। अगर आप बात करें तो जो आप पल्सेस खाते हैं वो क्या है, सीड्स, ठीक है। अगर ये डॉर्मेंट स्टेज में ना हो तो आप तो दालें खा ही ना पाओ, ये तो सारे प्लांट्स बनी जाएं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। आगे इथाइलिन एक और हार्मोन है आपका प्लांट हार्मोन। इथाइलिन एक तरीके की गैस होती है, तो ये गैसियस हार्मोन है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग का मतलब है पकना, फ्रूट्स का पकना। अब आपने देखा होगा बहुत बारी, अगर एक मैंगो पका हुआ है, अगर उसके पास आपने कच्चे आम रख दिए तो वो सारे पक जाते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा। केलों के केस में भी सेम होता है, बनाना के केस में भी सेम होता है, एक बनाना पकता है सारे पक जाते हैं। तो आप कहेंगे यार ये कैसे हो जाता है, तो ये होता है एक इथिलीन
हार्मोन की वजह से जो क्या है गैसियस हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है, इथिलीन गैस सिक्रीट करता है। ये गैस सिक्रीट करने की वजह से क्या होता है, जो पक जाता है फ्रूट वो सिक्रीट करता है। तो ये इथिलीन गैस है ये बाकियों पे भी इफेक्ट करते हैं, बाकी वो पकने शुरू हो जाते हैं इसी गैस की वजह से। सो दिस इज़ द रीज़न। आगे हम बात करेंगे ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स के बारे में। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट्स। इसको नास्तिक मत पढ़िएगा, इसका मतलब है नेस्टिक, ठीक है। ये वो वाली मूवमेंट्स होती हैं जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती है, मतलब ऐसी मूवमेंट्स जो ग्रोथ शो नहीं करती हैं। यूजली अगर अगर उस पर प्लांट पे कोई चीज़ एक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है, तो वो क्या करेगा, ग्रो करना बंद हो जाएगा। तो ये तो होगी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। अब अगर उस पर किसी ये ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं करती, उसकी ग्रोथ नॉर्मली रहती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं ये जो मूवमेंट्स होती हैं ना, ये किसके रिस्पॉन्स में होती है, इन द रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, बट द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। कहने का ये मतलब है, कहते हैं कि ये जो डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, जिस डायरेक्शन से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है इस केस में, वो डिपेंड नहीं करता है कि आपका स्टिमुलस भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वो अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है। जैसे मूवमेंट होगी आपकी टच मी नॉट प्लांट की, तो जब आप उसको टच मी नॉट प्लांट को छुई मुई का पौधा जब आप उसको टच करते हैं उसके लीव्स को, वो लीव्स क्या हो जाते हैं, बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो ये होगी एक आपकी थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। इसमें क्या हो रही है, आप टच कर रहे हो पर वो ग्रो नहीं कर रहा है। ये तो नहीं होता कि आपने हाथ लगाया तो लीव छोटा हो गया या फिर लीव बड़ा हो गया, वो उतना ही रहता है पर फोल्ड हो जाता है। आगे बात करनी शुरू करते हैं ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स की। कहते ये होती है ट्रॉपिक मूवमेंट, वो थी नेस्टिक मूवमेंट, ये होती है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती है, ग्रोथ रिलेटेड, ये शो करती हैं ग्रोथ, ठीक है। अब कहते हैं ये जो मूवमेंट्स होती हैं, ये होती हैं दे अकर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। जो स्टिमुलस इसको एनवायरमेंट में मिल रहा है, ठीक है, ये उसको उसके बेसिस पे रिएक्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स। और साथ ही साथ कहते हैं ये जो डायरेक्शन होती है रिस्पॉन्स की, ये भी डिपेंडेंट होती हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। कहते हैं अब जो डायरेक्शन शो होगी, जो रिएक्शन में जो डायरेक्शन शो करेगा, वो किस पे डिपेंड करती है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जिस डायरेक्शन में आपको स्टिमुलस मिला उसी डायरेक्शन में शायद हो, या तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रिएक्शन शो कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है। आगे बात करते हैं, आगे क्या है हमारे पास, ये पांच तरह की होती हैं, फोटोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक, हाइड्रोट्रॉफिक और थिग्मोट्रॉफिक। बात करनी शुरू करते हैं फोटोट्रॉफिक के बारे में, ठीक है। इसको फोटोट्रॉफिक मूवमेंट को फोटोट्रॉफिज्म भी कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट इन साइंस, वैसे फोटो का मतलब तो होता है पिक्चर भी, पर वो वाली फोटो नहीं आएगी, इसका मतलब यहाँ पर होगा लाइट। इसमें क्या होता है, इस मूवमेंट में जो प्लांट्स पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट की वजह से मूव करते हैं। तो ये टाइप ऑफ मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉफिज्म। अब ये जो मूवमेंट है, अगर तो मूवमेंट हो रही है लाइट की तरफ, मतलब अगर आपका सन है ईस्ट डायरेक्शन में, तो अगर प्लांट ने ग्रो करने शुरू कर दिया है ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये तो फोटोट्रॉफिज्म होगी पॉजिटिव। पर अगर प्लांट डिसाइडेड टू ग्रो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर वो ईस्ट में ग्रो करना है, तो अगर प्लांट आपका वेस्ट में ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। और जो स्टेम्स हैं वो क्या करती हैं, वो लाइट की ओर मूव करती हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी लाइट होती है उसकी ओर मूव करती है, ऊपर को जाती हैं। तो ये क्या होगी आपकी पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। अब जो रूट्स हैं आपकी वो क्या करती है, इट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट, तो ये क्या होगी आपकी नेगेटिव ट्रॉफिज्म। तो दिस इज द एग्जाम्पल। आगे क्या है, जो आपके जियोट्रॉफिज्म की बात करेंगे, जियो का मतलब है अर्थ, जियो का मतलब है ग्रेविटी। तो जो मूवमेंट ग्रेविटी की वजह से होती है प्लांट पार्ट्स की, उसको हम क्या बोल देते हैं, जियोट्रॉफिज्म। कहते हैं कि अगर तो मूवमेंट होगी ग्रेविटी की ओर, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म, अगर मूवमेंट होगी ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो वो हो जाएगा नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म। अब कहते हैं जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रेविटी की ओर मूव करते हैं जबकि शूट अवे, तो शूट के केस में होगी नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म और आपके रूट के केस में होगी पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म। आगे हम बात करते हैं कीमोट्रॉफिज्म या फिर कीमोट्रॉफिक मूवमेंट के बारे में। अब कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, ऐसी प्लांट मूवमेंट जो किसकी वजह से हो, केमिकल स्टिमुलस की वजह से या फिर केमिकल्स की वजह से, उसको हम बोल देंगे केमिकल ट्रॉफिज्म। अब कहते हैं अगर जिस साइड पे आपका केमिकल स्टिमुलस है, अगर प्लांट की मूवमेंट उस साइड पे होती है, तो वो हो जाएगी पॉजिटिव कीमोट्रॉफिज्म, अगर केमिकल से अवे होती है, तो वो हो जाएगी नेगेटिव कीमोट्रॉफिज्म। अब कहते हैं पोलन ट्यूब ग्रो करती है टुवर्ड्स द ओव्यूल इज अ पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म। अब ये क्या चीज़ है, आपने पढ़ा होगा पॉलिनेशन, ठीक है,
पॉलिनेशन में होता क्या है, जो पोलन ग्रेन्स है जैसे वो फीमेल पार्ट पे गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ट्यूब बना लेते हैं, उस ट्यूब के थ्रू जो आपके पोलन ग्रेन्स है वो ओव्यूल्स तक पहुँचते हैं, ठीक है। क्योंकि ओव्यूल्स क्या करते हैं, कुछ तरह के केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसकी तरफ जो पोलन ग्रेन्स है वो अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो टाइप है मूवमेंट की, ये क्या होगी आपकी पॉजिटिव कीमोट्रॉफिज्म, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हाइड्रोट्रॉफिज्म के बारे में या फिर हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम देके समझाया गया है, इसमें क्या है, यहाँ पे है आपका वाटर एंड दिस इज़ योर सॉइल, ये आपकी सारी की सारी सॉइल है, ये आपकी सैंड है, ये है आपका पोरस पोर्ट, पोरस का मतलब जिसमें छेद है, और साथ ही साथ ये है आपकी एक पी सीडलिंग और हाइड्रोट्रॉफिक कर्वेचर। हाइड्रोट्रॉफिक कर्वेचर का क्या मतलब है कि जो रूट्स हैं वो किसकी तरफ मूव कर रही हैं, पानी की ओर, तो ये क्या होगी हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट। तो ये है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट की एग्जांपल। यहाँ पे सैंड नहीं सॉइल आएगी, यहाँ पे हम सॉइल कर देते हैं मार्क। कहते ये जो टाइप ऑफ मूवमेंट होती है, जो टाइप ऑफ मूवमेंट प्लांट शो करते हैं रिस्पॉन्स टू वाटर या फिर मॉइस्चर के लिए, वो उसको बोल देते हैं हाइड्रोट्रॉफिज्म। अगर तो पानी की तरफ मूव करें तो वो होगी पॉजिटिव, अगर पानी से दूर मूव करें तो वो होगी नेगेटिव ट्रॉपिज्म या फिर नेगेटिव मूवमेंट। अब जो रूट्स हैं वो सर्च ऑफ पानी की ओर मूव करती हैं, वाटर की ओर मूव करती हैं हमेशा, तो ये क्या होगी आपकी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। पर जो आपकी स्टेम्स होती हैं दे ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम वाटर, तो ये क्या होगी नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। आगे बात करेंगे हम थिग्मोट्रॉफिज्म भी सेम होता है, छुईमुई के प्लांट की एग्जांपल ली गई है। ऐसी प्लांट मूवमेंट जो किसकी वजह से हो, टच की वजह से, उसको हम बोल देते हैं थिग्मोट्रॉफिज्म। अगर तो वो टच की ओर मूव कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे थिग्मोट्रॉफिज्म पॉजिटिव वाली, अगर वो अवे मूव कर रहा है तो वो होगी नेगेटिव थिग्मोट्रॉफिज्म। अब कहते हैं जो मूवमेंट होती है टेंड्रिल्स की, अगर आपने पी प्लांट को ध्यान से देखा हो तो उसके ऊपर लगी होती है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स का मतलब आप बेले भी कह सकते हो, जो बेल होती है, जैसे मधुमालती की बेल होगी आपकी प्लांट, आपके घरों में शायद प्लांट लगा हो ये वाला। तो ये जो प्लांट होता है इनकी ना टेंड्रिल्स होती हैं, टेंड्रिल्स को आप बोल सकते हो कि पतली पतली जैसे कहना चाहिए ना, इस तरह से ना ये एक प्लांट स्ट्रक्चर होता है। ये प्लांट के अराउंड कैसे लिपटता है, इस तरह से कॉइल में टू गेट सपोर्ट, ठीक है, या फिर किसी दीवार के ऊपर ये स्ट्रेट चढ़ना शुरू हो जाती है, बेलें होती हैं बेसिकली। तो ये क्या हो रहा है पॉजिटिव थिग्मोट्रॉफिज्म। टच से कहाँ से मिल रहा है, वॉल से या फिर प्लांट की स्टेम से, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ पॉजिटिव थिग्मोट्रॉफिज्म। आगे हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो करेंगे एनिमल्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं हार्मोन सिस्टम ऑफ एनिमल्स भी। आगे इसमें दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन एक होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का क्या काम है, ये क्या करते हैं अपनी सिक्रीशन, सिक्रीशन का मतलब है ये ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं बाय मीन्स ऑफ डक्ट, मतलब इनके पास एक प्रॉपर पाइप होती है जिसके थ्रू ये अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे खुलते हैं, ऑन द एपिथेलियल सरफेस। एपिथेलियल सरफेस का मतलब है जो प्लांट जो सेल्स की स्किन होती है, जो अपर पार्ट होता है उसके ऊपर खुलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर रिलीज होते हैं ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है उसको यूटिलाइज कर सकें। और जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या काम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास बेचारों के पास कोई डक्ट नहीं होती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं ब्लड स्ट्रीम में अपने हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं ताकि ये सारे पार्ट्स में पहुँचाए बॉडी के, ठीक है। इसके पास तो प्रॉपर पाइप है, अगर इसको फॉर एग्जांपल अगर आपको ना डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो उसकी कोई सिक्रीशन है, उसका कोई हार्मोन है, अगर उसने डालना है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में तो वो क्या करेगा, उसकी पाइप कनेक्टेड है, उसे सिर्फ पाइप में छोड़ना है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाएगा। पर एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, तो बेचारे के पास क्योंकि पाइप है नहीं तो ये क्या करता है, ये फिर इसके पास डक्ट है नहीं तो ये क्या करता है हार्मोन अपने ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर देता है। तो फिर ब्लड क्या है, ब्लड ने तो हर सेल तक जाना है, तो हर सेल तक जाता है, इसलिए वो क्या करता है हार्मोन को भी साथ ले जाता है, वो कहता है मैं जा रहा हूँ तेरे को भी ले जाता हूँ, तो फिर वो हार्मोन को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी ले जाता है। सो इस तरह से आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम काम करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स की बात करेंगे जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करनी शुरू करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये प्रेजेंट है आपके ब्रेन में, इस जगह पे, इस पोजीशन में प्रेजेंट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मास्टर ग्लैंड माना जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैसेज देता है कि अब तुम अपनी सिक्रीशन करो। अगर सिग्नल उनको, किनको, एंडोक्राइन, बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, अगर जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो क्या करेंगे,
वो अपनी हार्मोन्स रिलीज नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। तो यहाँ है दिस इज़ योर पी, ए की जगह पे आपका आएगा आर की जगह पे आपका आएगा ए, दिस इज़ पी साइज्ड, मतलब मटर के दाने जितना छोटा होता है ये, पी साइज आपका ग्लैंड होता है जो आपका बेस ऑफ ब्रेन पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लंबा एक छोटा बंदा, ये लंबा वाले बंदे में ना एक बीमारी है, इसको बोलते हैं गाइगेंटिज्म। क्या बोलते हैं? गाइगेंटिज्म, ठीक है। अब ये जो छोटा वाला है ना बेचारा, इस पे भी एक बीमारी है, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म, ठीक है। ड्वार्फिज्म में क्या होता है, वो बेचारे ना ज़रूरत से ज़्यादा छोटे रह जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ नहीं पाती है। हाइट क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज़ करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये कम रिलीज़ होगा तो बंदा छोटा रह जाएगा, अगर ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी प्रोसेस, उसको उस बीमारी को क्या कह देंगे हम? गाइगेंटिज्म। और जो छोटा रह जाएगा उसको बोल देंगे ड्वार्फिज्म। तो ये किसकी वजह से होता है? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। और गाइगेंटिज्म के अलावा एक्रोमगैली भी हो जाती है एडल्ट्स में, ठीक है। गाइगेंटिज्म ज़्यादातर होती है चिल्ड्रन में, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्स फुट तक होना दैट इज़ नॉर्मल, पर जो 6 से ऊपर 6.5 भी पार कर जाते हैं, 7 भी पार कर जाते हैं, 8 भी 9 भी, तो 9-10 तक पहुंच जाते हैं, वो होते हैं गाइगेंटिज्म। 7 से ऊपर वाले को हम गाइगेंटिज्म कह सकते हैं। अब एक्रोमगैली में क्या होता है, बॉडी तो नॉर्मल होती है, बॉडी तो छोटी रह जाती है, मतलब बॉडी क्या करती है आपकी बॉडी छोटी रह जाती है, पर जो आपकी आर्म्स हैं, माउथ है, फेस माउथ है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये होती है एक्रोमगैली। आगे बात करते हैं थायरॉयड ग्लैंड की। अब जो थायरॉयड ग्लैंड वो कहाँ पे सिचुएटेड है? आपके नेक में, आपके गले में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। ये थायरॉयड कार्टिलेज है, थायरॉयड कार्टिलेज का क्या काम है, ये इसको प्रोटेक्शन टाइप प्रोवाइड करता है। तो ये जो होती है आपका ये कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्टिलेज, आपने पढ़ा हुआ है। आगे बात करनी शुरू करते हैं थायरॉयड ग्लैंड की। ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है, आप देख सकते हैं बटरफ्लाई की तरह नज़र आ रहा है आपको। तो ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन, यहाँ पे आपका आएगा ई साथ में। थायरॉक्सिन ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी का क्या मतलब है, आपने खाना खाया वो आपका डाइजेस्ट हुआ, और वो जो डाइजेशन होने के बाद जो एनर्जी आपको मिली है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स ने इस्तेमाल की, तो ये क्या हो गया आपका सारा मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। तो आयोडीन थायरॉक्सिन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आयोडीन एक केमिकल है एक तरह का, वो आपके सॉल्ट में भी प्रेजेंट होता है, आपको पता है जब आप कॉमन सॉल्ट कंज्यूम करते हो रोज़, आपने टाटा नमक की भी आड़ देखी होगी जिसमें क्या बोलता है, मेरे नमक में आयोडीन है, ठीक है। तो आयोडीन एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायरॉयड ग्लैंड में। अगर आपके पास आपकी बॉडी में कमी है आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा, अंडर सिक्रीशन होगी थायरॉक्सिन की। अंडर सिक्रीशन का क्या मतलब, वो कम सिक्रीट होगा, ठीक है। कम सिक्रीट होने की वजह से आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोल देंगे गोइटर। गोइटर में क्या होता है, जो आपके गले का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, एक थायरॉयड नाम की डिसीज़ भी कर देता है, जिसमें आपको क्या होता है, आपकी बॉडी जो है मोटी होती चली जाती है, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो आयोडीन अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एक और फैक्ट बताते हैं, जो आयोडीन है वैसे नेचुरली नमक में प्रेजेंट नहीं होता है, इसको बेसिकली ये डिसीज़ को देखते हुए कि गोइटर इसकी वजह से हो रहा है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से, तो लोगों ने गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था काफ़ी टाइम पहले, कि हम नमक में आयोडीन डालेंगे, तो इससे क्या होगा, और आयोडीन डालने की वजह से एक तो उनको ये बीमारी नहीं होगी और हम उनको सस्ते दाम पे बेचेंगे। तो दिस वॉज अ रीज़न कि हमारे जो नमक है उसमें भी आयोडीन प्रेजेंट होता है, सो दिस इज़ द ओनली रीज़न। आगे बात करते हैं पेनक्रियास की। पेनक्रियास भी अब एक इंपॉर्टेंट हमारा ग्लैंड है। अब पेनक्रिया एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन का मतलब है इसके पास डक्ट नहीं है, ये ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और एक्सोक्राइन इसलिए कि इसके पास प्रॉपर डक्ट है। अब ये क्या लगता है, एक लीफ की तरह नजर आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, इट इज़ अ लीफ लाइक ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है स्टमक के पीछे एब्डोमेन में। एब्डोमेन बेसिकली, एब्डोमेन आपकी जो चेस्ट वाला नीचे वाला पोर्शन होता है, चेस्ट के नीचे वाला पोर्शन और वेस्ट के बीच के पोर्शन को हम एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब एक एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे कहते हैं, क्योंकि ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन का काम क्या है, कि जो आपने खाना खाया उसमें से जो, जब आप खाना खाते हो, जब भी आपको शुगर टेस्ट करवानी हो ना, तो आप खाना खाने से पहले करवाते हो, ठीक है। अगर आपने शुगर खाई हो, जैसे आपने शुगर इन द सेंस कि अगर आपने खाना खाया हो जो अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट होता है बॉडी में, तो अगर आप फिर अपनी शुगर टेस्ट करवाते हो तो आपकी शुगर हाई आएगी, तो वो क्या कहते हैं, आप खाली पेट आना, ठीक है, मतलब आपने कुछ खाया ना हो।
तो जो इंसुलिन है हार्मोन, वो क्या करता है, अब वो इंसुलिन नाम का हार्मोन ना एक एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो कौन सा है, पेनक्रियास। ये काम क्या करता है, जो आपकी शुगर है बॉडी की उसको कम करता है, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करता है। अब जो ग्लूकागन है वो क्या करता है, जब आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज कम हो गया है, ग्लूकोजन शुगर कम हो गया आपके ब्लड में, तो ये क्या करती है, जो आपका स्टोर्ड फूड होता है बॉडी का, वहाँ से उसको ब्रेक करती है, शुगर बनाती है और उसको रिलीज़ करवा देती है आपके ब्लड स्ट्रीम में। मतलब ये क्या करते हैं, पैरेलल चलते हैं, अगर ज़्यादा है शुगर तो उसके लिए आ जाएगा इंसुलिन उसको कम करने के लिए। पर ग्लूकागन कब आएगा, जब जो इंसुलिन है, जब आपकी जो ब्लड शुगर है वो कम है बहुत ज़्यादा, तो मतलब दे एक्ट एंटागोनिस्टिकली। ठीक है, आगे बात करते हैं, कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे वो काम करता है, ये क्या करता है, एक एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज या फिर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी इनको बोल देते हैं। ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट को और न्यूक्लिक एसिड को इन द फूड्स। ठीक है, कहते हैं अब जो इनसफिशिएंट अमाउंट होती है इंसुलिन की, जो हमें पेनक्रियास से मिलती है, ये डायबिटीज़ कर देती है। ठीक है, इनसफिशिएंट का मतलब बहुत कम अमाउंट में जो इंसुलिन सिक्रीट होता है पेनक्रियास के थ्रू, उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज़। इसलिए कई जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इस हद तक डायबिटीज़ होती है कि वो क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। आगे हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। अब एड्रीनल ग्लैंड आपका होता है एनर्जी ग्लैंड, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप नज़र आएगा आपको, ये किडनी है आपके और इसके ऊपर ये जो कलर का, ये कलर का ग्लैंड प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, सबसे पहले तो एक बात, इसका जो साइज़ है विद एज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, वैसे वैसे इसका साइज़ छोटा होता जाएगा, और जैसे आप ओल्ड एज में पहुँचते हैं तो ये गायब भी हो जाता है कभी कभार। अब आप ये सोचोगे कि ये ग्लैंड करता क्या है, ये ग्लैंड आपको प्रोवाइड करता है एनर्जी बहुत सारी। अब जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो थकते नहीं हैं जल्दी, ठीक है, तो उनमें एनर्जी बहुत होती है, तो वो होती है एड्रीनल ग्लैंड की वजह से, क्योंकि उनमें काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, अब और ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, आपको फाइट करने में हेल्प करता है और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है, कि अगर आप किसी बड़े इंसान को डराओगे, जैसे 50 के अबव है, अगर आप उसको बू करते हो, डराते हो, तो वो क्या करेगा, उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि उसमें जो एड्रीनल ग्लैंड है वो काफ़ी छोटा हो गया है। ठीक है, तो शायद वो अच्छे से रिएक्ट ना करे, तो मे दैट पर्सन बी हॉस्पिटलाइज इन द हॉस्पिटल। तो अगर आप किसी छोटे बच्चे को डरा दे तो वो क्या करेगा, या तो डर जाएगा, फाइट मतलब कि फ़ाइट नहीं करेगा, फ्लाइट करेगा, भागेगा उस सिचुएशन से, या तो फाइट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, छोटे बच्चे ज़्यादा डरते नहीं हैं, कम डरते हैं, सो दिस इज़ द रीज़न कि उनमें ये हार्मोन प्रेजेंट होता है और इनको ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन एड्रेलिन। ये जो हार्मोन्स हैं ये फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं, दे आर समवट डिफरेंट। आगे बात करते हैं गोनाड्स की। अब जो गोनाड्स हैं, गोनाड्स स्टैंड फॉर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अब ये जो सिस्टम्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या सिक्रीट करते हैं, आपके हार्मोन्स। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए, जैसे टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, तो जो टेस्टिस है वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज क्या सिक्रीट करती हैं, ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो हार्मोन्स हैं इनका काम क्या है, जो फीमेल का हार्मोन्स है वो फीमेलनेस देते हैं, फीमेलनेस मतलब लड़कियों वाली हरकतें, और जो टेस्टोस्टेरोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग करेक्टरिस्टिक्स इन मेल, मतलब मेलनेस देने के काम आते हैं। सो बाकी जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड माना जाता है, ये भी आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये फर्दर ऑर्डर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब तुम अपना काम शुरू करो। तो मतलब कि इसके भी ऊपर एक मास्टर ग्लैंड है, किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, वो क्या है, हाइपोथैलेमस। आगे पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये भी आपके थायरॉयड ग्लैंड के आसपास ही प्रेजेंट होता है। पीनल ग्लैंड होता है आपका और एक थायमस ग्लैंड। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।